ट्रेडिंग फैब एक ऑथोराइज पार्टनर है डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स का, जैसे कि जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, फाइव पैसा है। अगर आप इन तीनों में से कोई एक ट्रेडिंग अकाउंट हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं, तो आपको हमारी जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। उसके लिए आपको करना क्या है, जस्ट यहाँ अप्लाई हियर के ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वेब पेज ओपन होगा तो आपके यहाँ पर डिटेल्स आपको एंटर करने हैं, तो ऑनलाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपका जो क्लाइंट आईडी है वो आपको हमें इस नंबर पे कॉल करके कंफर्म करना है, ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये एक छोटा इंट्रो था ट्रेडिंग फैब के बारे में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू निफ्टी एनालिसिस फ्रॉम ट्रेडिंग फैब डॉट इन। आज 9 अप्रैल थर्सडे है, सुबह के 9:02 हो रहे हैं। थर्सडे है, वीकली एक्सपायरी का दिन है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन है इस वीक का। इसके बाद 3 दिन की छुट्टी आने वाली है, तो हो सकता है एक स्लगिश मूव मार्केट में देखने को मिले। छुट्टी आ रही है 3 दिन की, इसके लिए कोई ज़्यादा करके ओवरनाइट पोजिशन नहीं बना था, तो हो सकता है एक स्लगिश मार्केट देखने को मिले। हालांकि आज एक्सपायरी है तो एंड ऑफ द मार्केट आज काफ़ी एक मूव देखने को मिल सकता है जब मार्केट शुरू होगा। तो देखते हैं क्या आज निफ्टी में हो सकता है इंट्राडे लेवल्स। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू करते हैं। ये कल का पिक्चर है, यानी 8 अप्रैल आफ्टर मार्केट आज ये पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो देखना है तो ऊपर यहाँ आई बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेकआउट लेवल बन रहा था 8821 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 8701। तो जैसे कि आप देख रहे हैं निफ्टी इंडेक्स ओपन होने के बाद ब्रेकडाउन लेवल के पास इसने सपोर्ट लिया और ऊपर की तरफ जब ये मूव हुआ तो ब्रेकआउट लेवल ब्रेक होने के बाद फर्स्ट टारगेट 8888 अचीव हुआ और सेकंड टारगेट 8954 ये भी अचीव हुआ। कुछ टाइम यहाँ पर इसने इस लेवल को पेनेट्रेट किया और सेकेंड टारगेट को तोड़ने के बाद और टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ बढ़ा। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 68 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 51,000 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। ये था कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट के हालात देख लेते। कल यूएस मार्केट में भी जब तेजी देखने को मिली, नासडैक करीब 203 पॉइंट के बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट देखे तो मिला जुला कारोबार वहां पर देखने को मिला। एशियाई बाजार आज ओपन हो चुके तो एसजीएक्स निफ्टी 136 पॉइंट की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहा है। निक्के हालांकि 98 पॉइंट की गिरावट दिख रहा है और चाइना मार्केट में भी हल्का सा प्रेशर देखने को मिल रहा है। डाउ फ्यूचर देखे तो इस समय हल्की सी कमजोरी यहां पर देखने को मिल रही है, 10 पॉइंट की गिरावट है। तो आज भी ग्लोबल मार्केट्स में देखे तो कल यूएस मार्केट में एक तेजी देखने को मिली थी। हालांकि अभी फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी भी 100 पॉइंट्स की बढ़त इस समय दिखा रहा है। तो चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर। प्री मार्केट सेशन यहाँ पर आप देख सकते हैं 9:05 हो रहे हैं, तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स की यहाँ पर बढ़त दिखा रहा है। डेली चार्ट से शुरू करते हैं। डेली चार्ट में अगर आप देखें तो कल जैसे कि हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया था 20 EMA का यहाँ पर रेजिस्टेंस हो सकता है, तो 20 EMA को ये पेनिट्रेट कर रहा था काफ़ी देर तक, इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पाया और यहाँ से टूवर्ड्स नीचे आके ये 23.6% का ये जो फिबोनाची लेवल है जो रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अभी हो सकता है ये सपोर्ट का काम करे। तो यहाँ पर 20 EMA हर्डल बना हुआ है, इसके ऊपर अगर कोई सस्टेनेबल मूव आता है तो नेक्स्ट रेजिस्टेंस 9390 का यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो ये डेली चार्ट का सिनेरियो। चलते 60 मिनट के चार्ट में, क्विकली इंट्राडे लेवल्स को आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मार्केट देख रहे 200 पॉइंट्स की गैप ऑफ ओपनिंग दिखा सकता है, तो यहाँ से जो लास्ट टाइम दो बार यहाँ से निफ्टी टर्न हुआ है टूवर्ड साउथ की तरफ, एक तो यहाँ पर कुछ दिनों पहले यानी ऑलमोस्ट 27 मार्च को और अभी कल, तो यानी R1 का जब तक लेवल ब्रेक नहीं करता तब तक इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजीशन नहीं बना सकते। तो इसके ऊपर अगर चला जाता है 9035 तो ही हम बाय पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 9115 भी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 9246 ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। और अगर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है तो ये देखिए जहाँ पर इसने पास्ट में रेजिस्टेंस फेस किया था वो अभी सपोर्ट, कल यानी इसी लेवल के पास ये इसने सपोर्ट टेस्ट किया था शुरू में भी, और जब ये टूवर्ड साउथ की तरफ ये आ रहा था तभी भी इसने जो हमारा ब्रेकडाउन लेवल था इसको सपोर्ट टेस्ट किया। तो आज ये हमारा सेम ब्रेकडाउन लेवल यही होगा हमारा सेम 8701।
इसके नीचे चला जाता है तो भी इंट्राडे के लिए हम शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 8636, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकेंड टारगेट होगा पिवट पॉइंट का S1 का लेवल जो कि 8556 के पास है। तो ये आज के लिए इंट्राडे लेवल्स निफ्टी के लिए। अगर आपको वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा तो प्लीज़ एक द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर करें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग एंड हैप्पी वीकेंड।